परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज बाइक पे ट्रांसपोर्टर कभी भी नहीं जाता, लेकिन जब हम जाते हैं तो आपने कई बार देखा कि हमारी उसमें मांगे रहती थी, तभी हम रोड पे जाते हैं। इस तरह कोई भी जो गाड़ी मालिक है ये नहीं चाहता कि मैं अपना रोजगार बंद करूं, मगर ये जो काला कानून सरकार ने लाया था, आपने देखा 3-4 दिन से पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, मगर कल जो हमने डिसीजन लिया था पूरे J&K ड्यूटी की जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट है वो चक्का जाम पे जब हम चले गए, आपने कल देखा पेट्रोल पंप पे जो हालत थी, क्यों कि जो काला कानून लाया था, जो हमारे गाड़ी ऑपरेटर जो ड्राइवर साहबान है कि उनको लग रहा था कि अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो ये तो हमारे लिए कितना बड़ा, इन्होंने ये काला जो कानून लाया तो किस तरह वो सारी गाड़ियां, अब ये जो ड्राइवर साहबान है जो रात के हैं, बाकी तो गाड़ियां बंद करके घरों में चले गए, आज भी आपको उतनी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम कल पूरी टीम हमारी चेयरमैन हमारे अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में जब हम डिपकॉम को हमने मेमोरेंडम दिया तो वो मेमोरेंडम दिल्ली तक पहुंचा मेल के जरिए, क्योंकि माननीय मनोज सिन्हा जी दिल्ली में थे और वो इस चीज को देख रहे थे, क्यों कि स्टेट जो हमारी है हार्ट पे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, और जम्मू कश्मीर की आवाज जो है हमेशा पूरे भारत में गूंजती है, उसका नतीजा आप देखिए, ये जो कल लेटर ऑन इन्होंने डिसीजन लिया, हम धन्यवाद करेंगे अगर उस सरकार ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों के हमारे ड्राइवर साहबान के जो चेहरे मुरझाए हुए थे आज उन पे खुशी लौटी है।